सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भाई इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर, जहां पर 7.5 से 8% की तेजी बनी है। साथ में डिस्कस करेंगे भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, जहां पर 2.25% के आसपास तेजी हमें देखने को मिली है। तो आप लोग देखो भी रेलवे शेयरों में आज हमें रैली क्यों देखने को मिली है, इसके पीछे के क्या कारण है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भी दोपहर की वीडियो में भी। यहाँ पर देखोगे भी ये बड़ा कारण है भी इरकॉन, IRFC, रेलटेल, अदर रेल स्टॉक सर्ज एज अश्विनी वैष्णव रिटेन रेलवे मिनिस्टर। तो अश्विनी वैष्णव को जो रिटेन किया गया है रेलवे मिनिस्टर्स के लिए, ये सबसे बड़ा कारण है भी इन शेयरों में तेजी के पीछे। और साथ में आपको एक बात और बता दूं भाई, 1 तारीख को बजट आने की जो संभावना है वो सही होते हुए नजर आ रही है। ठीक सूत्रों के बारे जो खबरें मिल रही हैं वो ठीक है। और 1 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीता निर्मला रमण जी, ठीक है, ये अपना जो ना अभी निर्मला सीतारमण जी अपना फाइनेंस जो मिनिस्टर है, ये अपना जो बजट है फाइनल बजट जो रहता है वो पेश करने जा रही हैं। तो ऐसी खबरें आ रही हैं और इन सबको देखते हुए रेलवे का जो कैपेक्स है वो भी इंक्रीज हो सकता है भाई। और बाकी देखो वो तो बाद की बात, वो तो आएगा तभी पता चलेगा ना। तो यहाँ से आप लोग देखोगे इन खबरों के चलते आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी जो ना भी रैली बन सकती है इन शेयरों में। और एक खबर और जो ना भी बहुत ज़्यादा आ रही है IRFC को लेकर भी, IRFC के जो ना भी आप लोग देखोगे OFS, ठीक है, ऑफर फॉर सेल, वो आते हुए नजर आ सकते। देखो भाई वो अगर आएगा ना जून और जुलाई इन दोनों मंथ के बीच में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे कंपनियों के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आना होगा तो जून के एंड में, फिर जून मंथ में आने की संभावना है। उसके बाद रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, रिजल्ट्स के बाद जो ना भी ऐसी कोई भी OFS की अपडेट्स नहीं आ सकती। और OFS की अगर मैं बात करूँ, कोई डेट वगैरह सेलेक्ट नहीं की जाती है भाई। हाँ, आज आप लोग जो कंपनी बता देगी भी हम उस दिन OFS लेकर आएंगे, नहीं, आज ही OFS की न्यूज़ आ जाएगी और सुबह OFS की हमें ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से OFS आएगा और OFS आना स्वाभाविक भी है भाई, क्योंकि 86% की होल्डिंग है कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की, और जबकि होनी चाहिए 75% जो मिनिमम होल्डिंग है, ठीक है, यही रूल बोलते हैं सेबी का, तो 75% होनी चाहिए, 86% है तो 11% होल्डिंग तो बेचेगा ना, तो वो OFS के माध्यम से बेचेगा। एकदम से भी बेच सकता है या फिर दो टुकड़ों में बेच सकता है, 5% 6% करके, या फिर एकदम से 11% होल्डिंग निकाल सकता है। तो वो देखो भी कंपनी के हाथ में किस प्रकार से क्या करेगी। OFS तो आना स्वाभाविक है। देखो OFS को लेकर अगर आप लोग डर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी ये जो ना भी गलतफहमी है, इसको लेकर परेशान मत होइए। OFS देखो भी आना है, इसे हमें अपनाना भी होगा, ठीक है, लेकिन जो गिरावट होगी ना उस दिन स्टॉक जिस भाव में आएगा नीचे में, वो मौका बन सकता है, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी IRFC 12% रिकॉर्ड हाई से नीचे अभी भी 12%, तो मौके बन सकते हैं। 1 तारीख को बजट की भी संभावना है, तो वो भी खबरें हमें देखने को मिल गई। तो चलिए भाई देख लेते हैं अब इनके चार्ट वगैरह आगे के कैसे रह सकते हैं लेवल। वैसे IRFC के मैं सुबह भी आपको लेवल बता चुका हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे भी स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट आया था स्टॉक में, इस ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वो डटने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, ठीक है, चलते ही जा रहा, अच्छी रैली बन रही है स्टॉक में और लॉन्ग टर्म में और भी रैली बनेगी। तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 12% के आसपास, 12.5% के आसपास अभी भी गिरावट में है, और नीचे से जो गिरावट बनी वो रिकवरी भी लेगा अभी 50% के करीब, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो गिरावट हुई थी ना, ये बड़ी गिरावट हुई, इसकी 50% रिकवरी स्टॉक में ऑलमोस्ट आ गई है। तो ऊपर में जो स्टॉक 193-200 ये लेवल हमें दिखा सकता है बजट तक, और अगर आपकी होल्डिंग है तो 169 का नीचे में सपोर्ट है अभी के टाइम। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बेसिकली इस कंपनी रिगार्डिंग OFS को लेकर बहुत सारी टेंशन है, तो OFS को लेकर बिल्कुल टेंशन है, लेकिन वो देखो आना है, आज नहीं तो कल कभी तो आएगा ना, यही मैंने आपको पीछे बोला था, और आज से बात नहीं चली, काफ़ी टाइम पहले से बातचीत चल रही है OFS आएगा OFS आएगा, मैंने तब भी आपको यही बोला OFS तो आना है, आज नहीं तो कल कभी तो आएगा ना भी, क्योंकि मिनिमम शेयर होल्डिंग जो है वो इनको रखना पड़ेगा प्रमोटर्स को, तो वो तो देखो स्वाभाविक आएगी, लेकिन उसको लेकर परेशान नहीं होने, लॉन्ग टर्म वाले हो तो बैठे रहो, नीचे में खरीदारी करने के मौके बनेंगे, ठीक है। आज हमें इरकॉन में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला भाई, और ये एक्शन आप लोग देखोगे भी 256-250 ये ब्रेकआउट आने के बाद हुआ, ठीक है, गैप अप ओपनिंग, उसके बाद जो स्टॉक है वो डटने का नाम नहीं लिया, 266 ये लेवल ब्रेक किया, फिर ऊपर में आप लोग 278 इस लेवल के लिए तैयारी है, और ये स्टॉक आप लोग ऑलमोस्ट जो रिकवरी है वो ले चुका है, थोड़ी बहुत रही है, ये हमें आते हुए नजर आ जाएगी। तो नीचे में सपोर्ट 266 और ऊपर में जो ये स्टॉक है वो आपको 300+ के मूव यहाँ से दिखा सकते हैं बजट के पहले, ठीक है। और ये आप लोग देखो भी कल अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलते गिरावट भी आए तो परेशान नहीं होना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बजट अभी बाकी है, तो
तो बजट में कैपेक्स के ऊपर बहुत अच्छा अपडेट आ सकता है, इंक्रीज होने की संभावना, और बाकी देखेंगे भी कैसे क्या माहौल बनते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।